हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पंजाबी स्वीट डिश दावा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं डिस्पेंसरी में, हमें कुछ काम था। तो यहाँ पे हर जो है चेकअप के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना होता, या वैसे भी कोई काम हो हॉस्पिटल से रिलेटेड तो डिस्पेंसरी में यहाँ पे लोग आते हैं। और डिस्पेंसरी में जो है सारे डॉक्टर बैठे होते हैं हर शोबे के, और इधर फिर आपको टाइम दिया जाता है। हॉस्पिटल में ये लोग रश नहीं करते, ज़्यादातर डिस्पेंसरी में जो है पेशेंट्स को चेक किया जाता है और मेडिसिन लिख दी जाती है। तो अपॉइंटमेंट ले लेते हैं फिर फ़ोन पर, तो फिर डिस्पेंसरी में आ जाते हैं। तो ये सारी डिस्पेंसरी का वेटिंग एरिया है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे जब भी आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, कोई चेकअप कराना है, तो डिस्पेंसरी में जाना है, हॉस्पिटल नहीं जाना। हॉस्पिटल तभी जाना है जब इमरजेंसी की सूरत हो। देखिए कितनी अच्छी डिस्पेंसरियाँ भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे सारे एरिया में डिस्पेंसरी है, एक एक सब एरिया में आपको मिलेगी डिस्पेंसरी। ये सारा बाहर का व्यू देखिए, बाहर का व्यू कितना प्यारा है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर वगैरह है, कोई और प्रॉब्लम है, तो आपने डिस्पेंसरी में ही आना है। यहाँ पे हाँ, फर्स्ट चेकअप जो होगा आपका डिस्पेंसरी में होगा, फिर आगे अगर फर्दर टेस्ट वगैरह हैं तो वो फिर हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी वाले जो हैं वो अपॉइंटमेंट लेके देते हैं। तो फिर उधर टेस्ट वगैरह के लिए जाना होता है हॉस्पिटल में। हमारी एक कंट्री की तरह नहीं है कि कोई भी मसला हो तो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में जाएं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहले डिस्पेंसरी में, और फिर डिस्पेंसरी वाले जो हैं वो रेफर करते हैं, रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। यहाँ पे सब डॉक्टर होते हैं, न्यूरो के भी, आई के भी, गायनी के भी, हर तरह के डॉक्टर होते हैं, आर्थो के भी, सारे होते हैं बैठे फिजिशियन सर्जन। और वो फिर आगे रिकमेंड कर देते हैं और हॉस्पिटल में भेज देते हैं कि हॉस्पिटल में जाएं अगर कोई टेस्ट वगैरह कराना हो, अगर यहाँ से ही फारिग करना हो तो मेडिसिन लिख के तो यहाँ से ही फारिग कर देते हैं। ये हर एरिया में है डिस्पेंसरी जो है। ये सामने बच्चों की चेयर्स और टेबल पड़े हुए हैं, डिस्पेंसर भी लगा हुआ है पानी के लिए। और ये बच्चे जब चेकअप के लिए यहाँ पे डिस्पेंसरी में आते हैं तो फिर यहाँ पे अपनी बारी तक गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं। ये भी बच्चों की गेम, ताकि तंग ना करें। तो आजकल तो वैसे कोरोना वायरस की वजह से बच्चों की एंट्री जो है डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, सारी जगह पर बंद है। बस अपॉइंटमेंट हो तो फिर ये है कि बच्चे आते हैं। ये सारी बच्चों की छोटी छोटी चेयर्स जो टेबल पे ऐसे रखी हुई हैं उल्टा करके, इसलिए आजकल कोई भी बच्चे वगैरह नहीं आ रहे। अच्छा, तो फ्रेंड्स हम इस काम के लिए आए थे यहाँ पे कि ये मेरे डैड को हुआ था ब्रेन हैमरेज, तो उनके लिए हम गवर्नमेंट की तरफ से सारे जो है पैम्पर, व्हीलचेयर, रुलातोर, सारा कुछ जो है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे हर एक को मिलता है। ये नहीं कि सिर्फ मेरे डैड को, हर किसी को जो है वो ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो ये उनके जो ये बड़े वाले पैम्पर थे, ये पहले यूज़ कर रहे थे, और इस बार जो आए हैं ये छोटे वाले आए हैं। तो ये हम लेकर आए हैं चेंज कराने के लिए कि ये बड़े वाले ही चाहिए। तो हम डिस्पेंसरी में आए थे, यहाँ पे सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर वगैरह सारा कुछ वो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और रुलातुर भी, वो जिसके साथ चलते हैं ओल्ड पीपल, के चलने में आसानी हो, जिसे हम लोग उधर वॉकर कहते हैं। और बेड भी, और जो सेफ्टी शीट्स होती हैं ताकि बेड गीला ना हो, वो भी बेड पे बिछाने के लिए। और नर्स जो है वो भी घर में आती है चेकअप के लिए। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ऐसे। तो ये अब हम पैम्पर जो है वो बड़े वाले
बोलेंगे कि वो चाहिए, चेंज कराएंगे ये बड़े वाले, और छोटे वाले जो है वो वापस कर देंगे। वो हम सारे जो है वो कॉटन उठा के ले आए हैं, दो कॉटन आए थे वो हम उठा के तो दे देंगे कि हमें ये वाले चाहिए, तो फिर हमें चेंज करके दे देंगे। शीट्स वगैरह वो भी सारा कुछ इन्हीं की तरफ से मिलता है। तो अभी हम अभी यहाँ पे लंच ब्रेक है तो हम स्टाफ का वेट कर रहे हैं, अभी स्टाफ आ जाएगा तो फिर हम चेंज करा के जो है वो ले जाएंगे। और जो है ग्लूकोमीटर वगैरह भी जो है वो ये लोग देते हैं, बीपी ऑपरेटर्स भी घर में चेक करने के लिए, वो भी सारा गवर्नमेंट की तरफ से घर में चेक करने के लिए दिया जाता है ताकि रूटीनली घर में चेक कर सके ब्लड शुगर वगैरह और बीपी, ब्लड प्रेशर सारा कुछ घर में चेक करें। तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, और बेड जो है वो रिमोट वाला फराहम करते हैं ताकि बेड ऊपर नीचे करना जो है वो आसान हो, वो वाला बेड दिया जाता है यहाँ पे, बहुत फैसिलिटीज़ देते हैं। बाहर मौसम जो है वो बहुत प्यारा है, ये भी सारी डिस्पेंसरी है। ये है जी सारा डिस्पेंसरी का एरिया, ये सारा डिस्पेंसरी का एरिया है। अभी हम वो कॉटन दे रहे हैं जो छोटे पैम्पर्स का था, वो चेंज हो जाएंगे कॉटन। ये बाहर सारे ट्रैफिक जा रही है सामने रोड पे, मौसम बहुत प्यारा है। तो फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, मैंने कहा डिस्पेंसरी का थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूँ और थोड़ा फैसिलिटीज़ का। तो मुझे दीजिए अब इजाज़त पंजाबी स्वीडिश दावा को, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और स्वीडन के हवाले से अगर कुछ पूछना हो तो ज़रूर जो है वो पूछें। और देखें सामने बस जा रही है, ओके बाय बाय फ्रेंड्स।